अगर आपको कहीं भी प्लॉट चाहिए, सबसे सस्ती प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आपको मिलती है सिर्फ एक ही जगह पर, आपको मिलने वाली है अब तक की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपके लेकर के आए अशोक जी। धन्यवाद सर। सर ये कहाँ मिलती है प्रॉपर्टी? श्री मंगलम प्रॉपर्टी। सर एक बार और बताइए कहाँ मिलती है? श्री मंगलम प्रॉपर्टी। तो दोस्तों श्री मंगलम प्रॉपर्टीज आपके लिए लेकर आए सबसे सस्ते प्लॉट। सर कितने का? 50 गज का प्लॉट, 1,75,000 का, वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास जी। ये यहाँ पे आवासीय प्रयोजन हेतु, मतलब आप मकान बना के यहाँ रह सकते हैं, आवासीय कन्वर्ट, यानी साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है जी, ना कि एग्रीकल्चर। हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ जी। हमने आप ना जमीन को देख के पैसे नहीं देते, कभी भी सामने वाले को देख के देते हैं, ठीक है। जमीन तो अपनी जगह पड़ी रहती है। हाँ जी। ठीक है, आप चलते हैं, जितने भी आज तक व्यापार चला सिर्फ व्यवहार पे चला है। साहब ने पहले कही कि मैं अपनी बाउंड्री कराऊंगा, उसके बाद अपने कागज पत्र कराऊंगा, डरते हैं लोग, बुरे मानने की बात नहीं, उनको घबराते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी पहले बाउंड्री कराई, उसके बाद मुझे सारी पेमेंट दे दी, फिर उसके बाद अपनी रजिस्ट्री कराई इन्होंने। क्या बात है, पहले अपना कब्जा लेके देखा, पूरी तसल्ली होनी कि नहीं, पूरी तसल्ली होनी चाहिए कस्टमर की। बस बस। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ आ गए अशोक जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अशोक जी ये बताइए आज की वीडियो में क्या धमाका करने वाले हैं, क्योंकि मंगलम प्रॉपर्टीज हमेशा सबसे सस्ते और सबसे अच्छे प्लॉट्स लेकर के आते हैं। सरज भाई जैसे हम करते हैं बहुत अच्छा काम शुरू से ही। हाँ जी। बहुत मंदे पे हर कहीं ये देखते हुए गरीबों के माध्यम से बहुत अच्छे प्लॉट निकालते हैं, बड़े सस्ते, ठीक है जी, ताकि हर किसी के बजट में आ सके। हाँ जी। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम वर्ग हो, तीनों के बजट में आराम से आ जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे हमने नोएडा के पास अपना जहाँ पे जीवन एयरपोर्ट भी बन रहा है नोएडा पे ही, और हमारे पास उससे कुछ दूरी पर 15 किलोमीटर दूरी पर टप्पल में आता है क्षेत्र, ठीक है, टप्पल से भी मतलब आसपास में जहाँ बसावट है उसके नजदीक में। हाँ जी। मेन बात तो ये है, और ऑन रोड और तो सर प्लॉटिंग लेके आए हुए हैं। सर मैंने सुना है आप बहुत ही सस्ते रेट दे रहे हैं, यानी टप्पल के अंदर सबसे सस्ते रेट। हाँ, सबसे सस्ते रेट। सर फिर भी क्या रेट होने वाला है? मात्र 3500 रुपए पर गज। सर वहाँ तो कम से कम 8,000-10,000 पर गज का रेट है। हाँ, सभी का रेट है, मतलब लोगों को एक लूटने वाली बात है, इतना रेट कहाँ हुआ है अभी तक, मतलब जो हमारा रेट है सबसे कम रहा है। क्या बात है, हमेशा, यानी दोस्तों 3500 रुपए पर गज। हाँ, पलवल में भी हमने काटी, इधर भी काटी, सभी जगह, मगर हर जगह मंदा लेके चले। फरीदाबाद भी हमने 3000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, पूरी कॉलोनी बसी पड़ी है, रेट भी 15,000-20,000 रुपए पर गज। सर कितनी साल हो गई है श्री मंगलम प्रॉपर्टीज को आज की डेट में? जी मुझे तो काफी साल हो गए, मगर मंगलम प्रॉपर्टीज पहले मेरी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, फिर उसके बाद ये संभाली एक साल। फिर भी सर कितने साल से वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्टी में? करीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो चुके हैं, यानी 35 से 40 साल का पूरा तजुर्बा है जी। सर कितनी कॉलोनी बसा चुके हैं अभी तक? अब तक 90 से ऊपर जा रही है भैया। क्या बात, 90 से ऊपर कॉलोनी बसा चुके हैं सर। और देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आज की वीडियो में ऐसा धमाका लेकर के आए जो किसी ने दिया नहीं होगा, यानी जेवर एयरपोर्ट के पास जिन भाइयों को जमीन चाहिए जी, उनके लिए सबसे सस्ती जमीन लाए, और सर बिल्कुल लीगल जमीन जी। सर बताइए लीगल किस तरह से? पेपरों से है, ठीक है, एजेंसी का मतलब है, एक सबसे बड़ी बात वो आबादी दर्ज है, दूसरी जैसे होता है ना रहायशी मकान, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं उस पर ऑलरेडी रजिस्ट्री पर लिखा होता है। क्या बात, आवासीय प्लॉट। और सर यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी के पेपर आपको देंगे सर, वो क्या देने वाले हैं? रजिस्ट्री, हम रजिस्ट्री देने वाले हैं आपको, ठीक है जी। क्या बात है, पक्की रजिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज है नामी काफी है श्री मंगलम प्रॉपर्टी, जो कि काफी साल से काम कर रहे हैं। नहीं सर, आप सबका प्यार है ये। अच्छा जी। एक विश्वास है, आज कोई मेरा प्लॉट देखने नहीं आता, एक विश्वास के कारण वहीं से प्लॉट ले लेते हैं। क्या बात है। तो सर अब ये बताइए हमारे व्यूअर्स को लेके चलेंगे साइड पे दिखाने के लिए? हाँ जरूर जी, जरूर, ठीक है। तो दोस्तों आपके माध्यम से देख लेते हैं, बाकी कोई देखने नहीं आता प्लॉट के, कहाँ अशोक भाई दे रहे हैं, खाली नाम से बिक जाते हैं भैया। क्या आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। हाँ जी, सदा आभारी रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों एक चलते हैं साइड पर और आपको दिखाते हैं सबसे सस्ते प्लॉट, वो भी टप्पल के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मैं अभी बिल्कुल मेन रोड पे खड़ा हुआ हूं, और आप इस मेन रोड को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हम आपको मेन रोड दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी पर हम आपको प्लॉट देने वाले हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है आपको सबसे सस्ते प्राइस में, यानी अब तक का सबसे सस्ता रेट आपको मिलने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल प्रॉपर्टी होने वाली है। यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आगे हैं श्री मंगलम प्रॉपर्टीज, और मंगलम प्रॉपर्टीज से हमारे साथ हैं अशोक जी। जी नमस्कार अशोक जी, क्या हालचाल है? मजा मजा। यानी अशोक जी आप हमेशा कुछ ना कुछ धमाका करते रहते हैं पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर। क्या करें भाई साहब, पब्लिक के लिए बहुत मंदा और बहुत अच्छा लाना ही पड़ता है। क्या बात है जी। तो अशोक जी ये बताइए आज की वीडियो में जो हम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ये कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, और वो भी इतनी सस्ती प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग
टप्पल से 3 किलोमीटर की दूरी पर लालपुर आदमपुर के चौराहे पे खड़े हैं हम लोग। और सर यहाँ पर मैंने सुना है बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है जेवर एयरपोर्ट की जमीन में, लेकिन आपकी जमीन बिल्कुल लीगल और सेफ है। देखिए ये चीज जब हम लेते हैं जमीन, जब इसके बारे में हमें जब भी इंक्वायरी करनी पड़ती है, हमने देखा नक्शा उठा के 3 किलोमीटर तक एक्वायरमेंट का है, ठीक है जी, एक्सप्रेस से वो छोड़ दिया। अच्छा, एयरपोर्ट वालों को चाहिए थी 15 किलोमीटर की दूरी तक, हम लोगों ने 15 किलोमीटर की दूरी पे फिर यहाँ आके लिया। क्या बात, इसका मैप निकलवाया, ये कभी उसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद ये जमीन हमने जांच परख के ली जो आज हम पब्लिक को देते हैं। लेकिन सर मैंने देखा यहाँ तो 7,000-8,000 रुपए पर गज, 10,000 रुपए पर गज लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और आप इतनी सस्ती जमीन दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ 3,500। सर देखिए हमारा कारण क्या है, हम लोग ना बहुत पहले से फ्यूचर प्लान करते हैं, जिसके कारण ना मंदी प्लॉटिंग उठाते हैं पहले से ही, ठीक है जी। मेरी बहुत मंदी उठाई हुई, अगर आपको बता दूंगा तो क्या होगा, इतने मंदे सौदा उठा कैसे लिए। अच्छा जी। उसी टाइम हम करंट सौदे लेते हैं और बहुत मंदा खरीदते हैं, ठीक है। मंदे के कारण फिर हमने प्लॉटिंग करते हैं तो अपनी बचत रख लेते हैं, हाँ जी, और उसके बाद से बहुत मंदा ही आपके सामने लाके रह देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी के बारे में सारी बातें करेंगे, जमीन के बारे में सारी बातें करेंगे, और जो आपको यहाँ पर प्राइस मिल रहा है ये प्राइस आप पूरे टप्पल में चेक कर सकते हैं सर, दावे के साथ, ठोक के, ठोक के दावे के साथ चेक कर सकते हैं, आपको ये प्राइस कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है, मात्र 3,500 रुपए पर गज पे जमीन मिलने वाली है। दोस्तों ये मेन रोड आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आए अशोक जी, तो अशोक जी आपने तो मतलब पूरा कमाल ही कर दिया, पूरा यूट्यूब हिलाने के चक्कर में अब तक शुरू से 4 साल से करता क्या है, अच्छा कमाल ही करता है, यही करता है, क्या बात है सर। यानी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो शायद आपकी है, लोग चेक कर सकते हैं जाकर के। सर हम यहाँ पर बात करेंगे इस जमीन के बारे में, बिल्कुल ये हो गया हमारा मेन रोड। सर कितने फीट का रोड है ये? 70 फीट का। और 70 फीट के रोड पर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये देखिए ये होने वाली है प्रॉपर्टी। सबसे बढ़िया तो चौराहे के बिल्कुल नजदीक, आने वाले समय पे आज से फ्यूचर आप 10 साल बाद देखोगे, हाँ पूरे में मार्केट होगी और बिल्कुल चौराहे पे। और सबसे बड़ी बात आसपास में गांव बसे हुए हैं, लोग भी रह रहे हैं यहाँ, और कॉलोनी में भी अब तो घर बन चुके हैं। जब लोग हमने ली थी सहराज भाई, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल खाली था, ठीक है जी, बिल्कुल जंगल होया करता था भयानक, तो बड़ी मंदी जमीन उठा ली, ठीक है, इसके कारण हमने मंदी के विचार बना लिया। क्या क्योंकि मंदी तो चली रही है, अच्छा अब मंदी में तेजी कहाँ से लाए, यानी कि सबसे सस्ती ली और सबसे सस्ती में आप दे दो। सेल कर रहे हैं भाई, जैसी बालिक ने दी आप लोगों के लिए दी है, वो आप लोगों के हवाले, वो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे ये बताइए, सभी लोग ना डरते हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन लेने से, या हम कह सकते हैं उन्हें अच्छी जमीन नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा सा आप बताइए अच्छी जमीन के बारे में। ये हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ जी, हमने आप ना जमीन को देख के पैसे नहीं देते, कभी भी सामने वाले को देख के देते हैं, ठीक है, जमीन तो अपनी जगह पड़ी रहती है, हाँ जी, ठीक है। आप चलते हैं, जितने भी आज तक व्यापार चला सिर्फ व्यवहार पे चला है, क्या बात है जी, जमीन को कोई उठा के नहीं ले आता, जमीन तो यही पड़ी है, हाँ मैंने भी ली तो यही पड़ी रहेगी, आप भी लोगे तो यही पड़ी रहेगी, ठीक है जी। पर ये क्या है कि सामने किसने कैसा काम किया है, अच्छा काम किया बुरा काम किया, इसके ऊपर चलता है, व्यवहार के ऊपर सौदे होते हैं। क्या बात है सर, आप बताइए थोड़ा सा, जैसे अगर हम आपसे पूछना चाहें यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो तरक्की हो रही है आने वाले टाइम में, ये यहाँ की यूएसपी क्या है? सर आने वाले टाइम में सबसे पहले प्लॉट है यहाँ पर, आपका जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है, बाकी हब आ रहे हैं सर, हाँ जी, कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स गेम्स यहाँ पर आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी सर आपको। क्या बात है जी। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ अशोक जी, जैसे कि इन लोगों ने सभी ने रजिस्ट्री हाथ में ली हुई है जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, बिल्कुल लीगल, ये सबको, हाँ ये सबको आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्ट्री कोई कभी नहीं दिखाता है, क्या बात, सब वैसे दिखाते हैं, फोटो कॉपी बिल्कुल, हाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी, ये यहाँ का होगा स्टैम्प पेपर सर, अच्छा जी, दूसरा ये यहाँ की रजिस्ट्री स्टार्ट होगी, क्या बात है जी, बिल्कुल सब जेन्युइन है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हर चीज कहे की पेज खोलते जाओ, बिल्कुल लीगल चीज आपको यहाँ पर दोस्तों हाँ। दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं बिल्कुल हर चीज का, और ये सारे काम आप करा करके देंगे। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ दिखाते हैं कि 143 पास है ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ 143 कभी पास नहीं होती, जो बोलता है झूठ बोलता है। अच्छा जी, सरासर 2012 से बंद है 143, क्या तो मत सोच रहा कभी चालू हुई, अच्छा जी, कोई उम्मीद नहीं, बस इसका कारण क्या है, जहाँ आबादी दर्ज हो जाती है, जैसे की आबादी में आ गया 143 अपने आप ही हो जाती है, बात है यही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है, ठीक है जी। तो दूसरी बात, ये जो हुआ है हमने एग्रीकल्चर जमीन ली, हाँ जी, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने प्लॉटिंग करी, ठीक है, ये यहाँ पे आवासीय प्रयोजन हेतु, मतलब आप मकान बना के यहाँ रह सकते हैं, आवासीय कन्वर्ट कर, यानी साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है जी, ना कि एग्रीकल्चर, क्या बात है, ये कृषि के लिए नहीं है, रहने के लिए, रहने के लिए, जिसमें आपका आवासीय प्रयोजन हेतु हो गया है, ठीक है जी। दूसरा 100 वर्ग गज का, यानी कि 83.4
613 वर्ग मीटर। तो सर इतनी बारीकी से तो कोई बताता भी नहीं है ये चीजें। भाई से बुरा बनना होता बन जाएंगे पब्लिक के लिए। ओहो क्या बात है। यहाँ पर देखिए एक और रजिस्ट्री सर के हाथ में, इसमें भी यही चीज आप भी सभी। और सर ये जो रजिस्ट्री करा रहे हैं हमारे साथ कौन जाएंगे रजिस्ट्री के लिए? रजिस्ट्री हमारे सुभाष भाई है, 14-15 साल से मेरे साथ है। बात है जी, ये लो जी, ये देखिए जी, ये थोड़ी सी ये पहले का फोटो है, ज्यादा थोड़ा सा आपका फर्क है। अच्छा, तो ऊपर पे मत जाना, काफी बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे ये क्षेत्र, ये हमारा कृषि प्रयोजन। सर यहाँ पे बताइए किस तरह से आपने पूरी कन्वर्ट करी, ये जो जमीन ली थी हमने कृषि प्रयोजन हेतु यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सारी जमीन जो उठाई हमने एग्रीकल्चर वाली, उसको फिर हमने कन्वर्ट करवाया। क्या बात, जैसे आप 143 मांगते हैं तो ये अपने आप ही आवासीय में आ गई, आवासीय में आ गई। तो दोस्तों देखो इतनी बारीकी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जो हमारे अशोक जी आपको बता रहे हैं वो भी श्री मंगलम प्रॉपर्टीज से। हाँ, जो चीज आप सोचते हो ना वो चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ आप सबको। यूट्यूब सर कितने साल का तजुर्बा होगा बताइए? सर मुझे लगभग 30-35 साल इसी लाइन में गुजर गया, इसी लाइन में 30-35 साल, जब बिल्कुल जंगल होता था। हाँ जी हाँ जी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, बदरपुर की कर रहा हूँ, जो बिल्कुल वहाँ होता था, ठीक है जी, तो तब से देखता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और आज बदरपुर बॉर्डर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है। सर यहाँ पर रेट क्या दे रहे हैं? रेट हमारा है 3500 रुपए पर गज, बाहर के प्लॉट का नहीं, मेन रोड का तो मेन रोड का ही होता है, उसका रेट नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। सिर्फ उनके प्लॉट को मेन रोड के प्लॉट को छोड़ के है। अच्छा जी, यानी 3500 रुपए पर गज, पर गज। तो वन साइड 50 गज का प्लॉट कितने का हो जाए? वन साइड का, ठीक है सर, कितने का हो गया 50 गज का? 1,75,000 का। सर टप्पल में खड़े हो आप, जेवर एयरपोर्ट के पास वाली जमीन पे। सर लूटने नहीं खड़ा ना, बसाने के लिए खड़े, बसाने के लिए खड़े हैं, जब इतना सस्ता है सर, महंगा आएगा कहाँ से? इतनी सर मैंने देखा है टप्पल के अंदर कम से कम 7-8 हजार से कम तो कुछ है नहीं। जब ही तो भाई साहब, इसलिए तो मंदे से मंदा आप दो ना, ताकि पब्लिक को छत दे सको। क्या बात, कैसे दोगे आप? यानी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आए यहाँ पर अशोक जी, श्री मंगलम प्रॉपर्टी से। और देखो रेट क्या बताया जा रहा है आपको, मात्र 1,75,000 का 50 गज का प्लॉट बस। ये लो जी, यानी सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आपने। देर मत करना, ज्यादा नहीं, बस जनवरी तक ही लास्ट है। अच्छा अच्छा, यानी ऑफर भी जनवरी तक है? बस जनवरी तक, जो 31 दिसंबर तक ले लेगा वो ले लेगा, और जो वो रह जाएगा तो वो रह जाएगा। पहले आओ पहले पाओ, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, सारे प्लॉट बिक गए तो और तो हमारे भाइयों के लिए एक्सटेंड कर देंगे ना? दूसरी बात, अब पहले जब मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी बिल्कुल जंगल के अंदर बनाई थी, ठीक है जी, दूसरा ना रोड थे ना कुछ था, और आज तो सब कुछ बाउंड्री वगैरह सड़क वगैरह सब चीज आपको मिल रही है। यार यहाँ पर और लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हैं, यानी पूरी आपको यहाँ पर धीरे धीरे बसावट होती हुई दिखाई देगी, जबरदस्त बसावट। देखो पीछे तक वहाँ तक लाइट पानी बिजली सब आ चुके हैं, सब दूर दूर तक। और अगर सर ये जैसे सारा सोल्ड आउट हो जाता है तो आप इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे? बढ़ता रहेगा देखो, ठीक है जी। ये बड़ी बाउंड्री बताएंगे किस चीज के लिए, ये क्लाइंट की है किसकी है? हाँ ये क्लाइंट की है। अच्छा जी, यानी लोगों ने दोस्तों पहले से प्लॉट लेकर के यहाँ पर छोड़ दिए, जैसे ही सर जमीन लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर प्लॉट बिकने लग जाते हैं। ये 260 गज का प्लॉट है हमारे क्लाइंट का है। हाँ जी। और इन्होंने जैसे कि अपनी तसल्ली हुई, क्योंकि जैन साहब है, ठीक है, जैन साहब ने पहले कही कि भाई मैं अपनी बाउंड्री कराऊंगा, उसके बाद अपने कागज पत्र कराऊंगा, डरते हैं लोग, बुरा मानने की बात नहीं, वो घबराते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी पहले बाउंड्री कराई, फिर उसके बाद मुझे सारी पेमेंट दे दी, फिर उसके बाद अपनी रजिस्ट्री कराई इन्होंने। क्या बात है, पहले अपना कब्जा लेके देखा, पूरी तसल्ली होनी कि नहीं, पूरी तसल्ली होनी चाहिए कस्टमर की। बस बस, जब दोस्तों आपकी तसल्ली हो जाए तब आप पैसे दे सकते हैं सर। जब आप पैसे दो, बेफिक्र होकर के आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। और ये श्री मंगलम प्रॉपर्टीज का जो काम है सर, 30-35 साल पुराना। हाँ। तो आज की डेट में हम बात करते हैं सर, ऑफिस अगर आपके आना चाहे कैसे आ सकते हैं, आपका ऑफिस एड्रेस बताइए। आप कहीं से भी आ जाओ, बदरपुर बॉर्डर आना है आप लोगों को, बदरपुर बॉर्डर या मेट्रो स्टेशन दोनों नजदीक के सामने, वहीं बस अड्डा भी है, ठीक है, तीनों चीज की सुविधा वहाँ है। आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, बदरपुर का नेट पे डालेंगे श्री मंगलम प्रॉपर्टीज, तो ऑफिस भी शो करता है गूगल पे। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और अपने प्लॉट यहाँ पर बुक कीजिए। Thank you.